बिग बॉस की बिग जर्नी तय करके स्मिता हमारे साथ है अब, और क्या क्या टिप्स वहाँ से उन्होंने दिए हैं शिव को, और शिव ने क्या क्या एडवाइजेस ली है, ये सब आज थोड़ा बताएंगे हमें स्मिता। तो स्मिता, पहले तो आपकी बिग बॉस की जो बिग बॉस मराठी की जो जर्नी थी वो कैसी रही? मेरी तो बहुत ही सुंदर जर्नी रही। मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं इतनी सारी चीज़ें कर सकती हूँ। आई टेस्टेड माई लिमिट्स, और मुझे लगा था मैं 4-5 हफ्ते रुकूंगी शायद, क्योंकि ना मैं झगड़ा कर रही थी, ना मैं बिचिंग कर रही थी, ना मैं गॉसिपिंग कर रही थी, कोई चीज़ें कर नहीं रही थी। तो मुझे लगा था कि मुझे निकाल देंगे जल्दी, लेकिन जो मेरा खेल था, जो गेम था, वो सबको बहुत पसंद आया और मैं 100 डेज रही। मैं फाइनलिस्ट थी, टॉप 3 में थी, तो ये मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग और सरप्राइजिंग रहा ये जर्नी। और रही बात शिव की, मैं उसको सेकेंड सीजन में मिली थी एज गेस्ट, वी हैड गॉन इनसाइड, 2 दिन के लिए हम अंदर गए थे, लेकिन ज़्यादा बात नहीं कर पा रही थी। मुझे मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट तो शिव था, तभी वी बोथ हैव वेरी वी वर कंसिडर्ड वेरी सिमिलर काइंड ऑफ कंटेस्टेंट्स। जो पहले सीजन में मैं जैसी थी तो सब लोग कहते थे हाँ ही इज़ ऑल्सो सिमिलर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, ही इज़ अ वेरी ट्रू पर्सन, ट्रू एंड ही इज़ वेरी, वो ऐसे कुछ अलग दिमाग में रख के कुछ अलग सामने ऐसा नहीं है। ही इज़ वेरी ट्रू, वेरी रियल, एंड दैट इज़ वॉट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस गेम। रियलिटी शोज़ में आप कितना रियल रहते हो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंदर गई थी तब मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाई थी, बट इतना ही कहा था कि सब ठीक चल रहा है, तू जैसा है ना तू बिल्कुल चेंज नहीं होना, क्योंकि आई ऑल्सो गॉट बुलीड, ही वॉज ऑल्सो गेटिंग बुलीड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सिमिलर चीज़ों के लिए। तो मैंने कहा कि तू जो है ना कोई इग्नोर करना, ट्रिगर मत होना। अर्चना और शिव का काफ़ी मतलब दोनों का टिप देखने मिलता है, कभी दोस्ती हो जाती है, कभी लड़ाई होती है। ये तो ये घर ऐसा है ना, बिग बॉस हाउस ये घर ही ऐसा है कि आपको आप समझ नहीं पाते हो क्या हो रहा है। एक तो मुझे भी समझने में टाइम लग गया कि अरे ये क्या हो रहा है समझ में, यू नो इट इज़ अ माइंड गेम, आपके दिमाग के साथ खेला जाता है, हमको अलग अलग चीज़ों में सिचुएशंस में डाला जाता है। आप कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करते हो, अपने आप को बैलेंस्ड रखते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। सेकेंडली शिव हिमसेल्फ इज़ अ वेरी प्रिटी बैलेंस्ड पर्सन एंड इट इज़ नॉट ईजी, बहुत मुश्किल है इस घर में रहना और अपना दिमाग का संतुलन ठीक रखना बहुत ही मुश्किल है। मराठी फिर भी ठीक था, आई एम श्योर हिंदी में तो अभी का सीज़न आप देख रहे हो तो वहाँ पर क्या लग रहा है, कैसा चल रहा है शिव का गेम? शिव का गेम तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, एंड जो मराठी में वो खेल रहा था उससे बहुत अप हो गया गेम, ही इज़ डूइंग मच बेटर। ऑब्वियसली एक सीज़न का एक्सपीरियंस है उसे, जैसे अगर अभी मैं खेलने जाऊँगी तो मैं डेफिनेटली बहुत कुछ देखने के बाद सीख के मैं अभी कुछ और खेल सकती हूँ, मे बी आई डू इट मच बेटर। दैट टाइम मराठी सीज़न में ऐसा हुआ था कि आधे से ज़्यादा लोग वर वेरी अनअवेयर कि गेम क्या है। हमको बोला गया था इंटरव्यू में कि मराठी बिग बॉस बहुत अलग होने वाला है, कोई झगड़े नहीं, कुछ नहीं, सब फैमिली की तरह रहने वाला है। तो ये सोच के मैं अंदर गई थी, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट, एंड सब लोग आधे से ज़्यादा लोग तो यही सोच के आए थे, तो किसी को नहीं पता था कि गेम कैसे खेलना पहले सीजन में। तो एवरीबडी वॉज ट्राइंग टू फाइंड डिफरेंट वेज, वी डिडंट नो कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है, ये सही कर रहे हैं नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं पता था। जो सैटरडे के दिन या संडे के दिन जो भी हमें टिप्स मिलती थी उससे हम समझ जाते थे कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। एंड सिमिलरली बट आई थिंक शिव इज़ प्लेइंग रियली वेल, पहले उसके मराठी सीजन से भी ये गेम काफ़ी सुधर गया है। नॉट जस्ट दैट, उसको चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा आ रही है अभी, आई एम श्योर जो हम समझ रहे हैं या देख पा रहे हैं उससे भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आ रही होंगी, बट आई एम श्योर ही जस्ट नीड्स टू बी बैलेंस्ड एंड स्टे रियल। क्या बोलना चाहेंगे शिव के सपोर्ट में, क्या एकदम दमदार अपील? मैं यस 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 मैं सबको यही कहना चाह रही हूँ कि शिव बहुत ही रियल इंसान है एंड बहुत अच्छा इंसान है। ही इज़ लाइक ही इज़ अ लवली लवली पर्सन। नॉट जस्ट दैट, उसका गेम भी ही इज़ वेरी क्लियर, बहुत क्लियर है अपने थॉट्स में, अपने बातों में, एंड ही इज़ वेरी डिग्निफाइड ऑल्सो। सो आई वॉन्ट टू अपील, और सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी, गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ 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 शिव को प्लीज़ वोट करें और उसको जिताए, और प्लीज़ शिव गेट द ट्रॉफी होम, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू राइट नाउ, वी वॉन्ट टू बी मोर प्राउड।